लॉकडाउन की वजह से कैंसर पेशेंट हो या मजदूर, सभी के लिए वरदान साबित हो रहा है मुंबई का बांद्रा स्थित उत्तर भारतीय संघ, जहां सैकड़ों लोग इन दिनों गुजर बसर कर रहे हैं। संघ की तरफ से 250 असहाय जरूरतमंद को खाने पीने और रहने की व्यवस्था उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष व बीजेपी विधायक आर.एन. सिंह ने मुहैया कराई है। आश्रय पाने वाले मजदूर और टाटा अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने आए मरीज इस व्यवस्था के लिए विधायक को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे मरिंडरा में काम के लिए आई थी, तो फंस गई घर नहीं जा पाई, इसलिए यहीं पे आके मतलब हूँ। और ये आर.एन. सिंह यहाँ के बहुत अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं, यहाँ पर जितना भी है सब बहुत अच्छा किए हुए हैं। हम जो वही थे आलो पहले मानसिक टेंशन मध्ये होतो, पण जेव्हा मी या ठिकाणी आल्यानंतर आम्हाला व्यवस्था दिसली आर.एन. सिंह यांची किंवा त्यांच्या मित्रमंडळाची, ते बघून आम्हाला एक घरासारखं वाटलं। आणि जेवणाची ही व्यवस्था एक सुंदर आहे, राहण्याची व्यवस्था पण त्याप्रमाणे चांगलीच आहे, खराब म्हणता येणार नाही, सुंदर आहे। आणि एक घरासारखं वातावरण आम्हाला वाटलं, म्हणजे जो आजारपणाच्या डिप्रेशनमध्ये आम्ही आलेलो होतो तो कदाचित आमचा दूर झाला आहे घरोबासारख्यामुळे। नाश्ता उत्तम प्रतीचा होता, जेवण पण चांगलं होतं। ओके, त्याच्यामध्ये काही कमी वगैरे काही नाही ना? आता तर काहीच कमी वगैरे नाही। उत्तर भारतीय संघ के प्रबंधक सचिन हेडे का कहना है कि हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें जरूरतमंद की सेवा करने का अवसर मिला है। सर, मैं सचिन हेड़े उत्तर भारतीय संघ में एक प्रबंधक के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और हम आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे 150 से 200 लोग यहाँ पे स्टक हुए हैं। तो इन लोगों को जो रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था जो है, हमारे उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष एवं बीजेपी के विधायक श्री आर.एन. सिंह साहब, इन्होंने इन लोगों के रहने की व्यवस्था तो संघ की तरफ से की है, लेकिन इनका जो खाने का वगैरह जो खर्चा है वो उन्होंने अपना सेल्फ एक्सपेंडिचर से, खुद के खर्चे से ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। और ये ऐसा है यहाँ पे सर, आप देख रहे हैं, ये कोई मतलब उत्तर प्रदेश से ही लोग हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिहार से भी है, यूपी से है, एमपी से है, झारखंड से भी है और वेस्ट बंगाल से भी लोग हैं। और ये लोग जो है सर, आप ज़्यादातर लोग इसमें पाएंगे आप टाटा हॉस्पिटल और KM हॉस्पिटल में से ही लोग हैं जो कि इलाज के लिए आए थे, बट उनकी रहने की व्यवस्था नहीं थी, जो फुटपाथ पर रहते थे उसके सामने और दिन में वड़ा पाव या समोसा खा के दिन गुजारते थे। उन लोगों के खाने की वगैरह और रहने की यहाँ पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और यहाँ पे खाने में हम लोगों को सुबह नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, शाम को चाय, फिर रात का डिनर वगैरह, ये सब व्यवस्था हम करते हैं। और ये सब सेवा करने का मौका मुझे भी प्रदान किया, इसलिए मैं आर.एन. सिंह साहब का बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सर। सर, ये जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो भी हम ये सेवा देने के लिए ये है। और सिंह साहब ने, आर.एन. सिंह साहब ने जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि जब तक लोग रहते हैं, जब तक लोगों की तकलीफ है, मतलब तकलीफ में हमको काम आना है, ये उनका कहना है। तो जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम इनका पूरे सेवा करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं, जो खाना दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था है, पानी है, टॉयलेट है, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी व्यवस्था हम जारी रखेंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा मातोश्री निवास के पास जब चाय वाला कोरोना से संक्रमित मिला था, तब सैकड़ों पुलिस वालों को इसी उत्तर भारतीय संघ के भवन में क्वारंटीन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।